गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन और एक टॉपिक बच गया था जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ क्या चीज, सीमेन। ठीक है, वैसे आज हम लोग को देखना है कैपेसिटेशन रिएक्शन, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये सीमेन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज, कैपेसिटेशन रिएक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, तो अभी हम लोग देखते हैं सीमेंट का कंपोजिशन क्या होता है और जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है सीमेंट में, वो उसका काम क्या होता है, वो कैसे करके हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, इनकेस ऑफ क्या चीज, मैमल्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें क्या क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं उसमें क्या होगा। हम लोग बोलते हैं ओवरी होगा, क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब होगा, क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, यूटेरस बोलेंगे, ये वाला को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सर्विक्स, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वेजाइना। तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे पार्ट्स ऑफ क्या चीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन होता है फिलिपिन ट्यूब पे। फिलिपिन ट्यूब के किस पार्ट पे, तो हम लोगों ने देखा है एम्पुलर ऑफ दी क्या चीज, फिलिपिन ट्यूब के फिलिपिन ट्यूब पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये हम लोग जानते हैं। और हम लोग बोलेंगे ये जो वेजाइना होता है उसमें क्या क्या चीज़ रिलीज होता है, हम लोग बोलेंगे, या फिर क्या चीज़ एजाकुलेट होता है, हम लोग बोलेंगे सीमेन एजाकुलेट होता है। ठीक है, तो वो जो सीमेन होता है उसमें हम लोग बोलेंगे कि बहुत कुछ रहता है। फॉर एग्जाम्पल क्या रहता है, तो हम लोग बोलेंगे स्पर्म्स होता है, कितना स्पर्म्स, हम लोग बोलेंगे 280 × 10⁶ स्पर्म्स होता है। और क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज होता है, और क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, सेमिनल प्लाज्मिन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कुआगुलेज या वेसिकुलेज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ होता है, फाइब्रिनोलाइसिन होता है। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब सीमेन जो बना होता है वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं विटामिन सी होता है, विटामिन B12 होता है, और भी मेटल आयंस होता है, ये सब कहाँ प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे सीमेन में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखेंगे ये सीमेन कहाँ पर है, हम लोग बोलेंगे वेजाइना ऑफ द क्या चीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या सिस्टम। इसमें क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म्स है, और भी बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या क्या काम है ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो भी स्पर्म होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि वो ट्रांसलोकेशन करे या फिर मूव करे, और कहाँ तक पहुँचे, हम लोग बोलेंगे फिलोपियन ट्यूब, जो एम्पुला पार्ट है फिलोपियन ट्यूब का, जहाँ पर एक प्रेजेंट है, उससे ये क्या करे, हम लोग बोलेंगे फ्यूज करे, और क्या बने, हम लोग बोलेंगे जायगोट बने, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म का काम ही क्या है, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर देखो जो भी स्पर्म है वो स्पर्म का काम क्या है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये फ्रुक्टोज का काम क्या है। तो देखो जब भी हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है सीमेन में, ये एक तरह से हम लोग बोलेंगे एनर्जी सोर्स का काम करता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि स्पर्म को हम लोग बोलेंगे जब ये मूव करेगा या फिर जब ट्रांसलोकेशन करेगा, तो ये कहाँ तक इसको पहुँचना होगा, हम लोग बोलेंगे फिलिपियन ट्यूब तक। और ये जो पाथवे रहता है, ये पाथवे हम लोग बोलेंगे, एक तरह से हम लोग बोलेंगे लॉन्गेस्ट पाथवे है। ठीक है ना, तो ये जो पाथवे होता है, इस पाथवे से जब स्पर्म जाता है, मतलब ट्रांसलोकेशन करता है, तो उस स्पर्म को क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एनर्जी चाहिए, या फिर हम लोग बोलेंगे ATP चाहिए। तो फ्रुक्टोज क्या प्रोवाइड करता है, हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, तब जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, तो दूसरा फ्रुक्टोज भी हो गया। तीसरा क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, सिट्रिक एसिड है। तो अब ये सिट्रिक एसिड का क्या काम है, तो सिट्रिक एसिड भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का काम करेगा, सिट्रिक एसिड भी क्या चीज़ का काम करेगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी सोर्स का काम करेगा, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे ये जो स्पर्म है वो ट्रांसलोकेट कर सके, मीन्स मूव कर सके, कहाँ तक पहुँच सके, फिलोपियन ट्यूब तक पहुँच सके, और क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। अब अगला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है ना, ये हम लोगों ने देखा था, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, ये हम लोग बोलेंगे रेट्रो पल्सन मूवमेंट ऑफ यूटेरस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे यूटेरस में रेट्रोपल्सन मूवमेंट कराता है। मतलब क्या हो गया, देखो जैसे कि मान लो ये क्या चीज़ है, प्रोस्टाग्लैंडिन, यहाँ पर मैं पी लिख रहा हूँ, पी का मतलब क्या चीज़ हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन में कहाँ प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे वेजाइना में, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ में, सीमेन में। तो अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो वॉल ऑफ यूटेरस होता है ना, ये वाला क्या चीज़ है, वॉल ऑफ यूटेरस, यहाँ पर मैं पी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन यूटेराइन वॉल से क्या कर जाता है, हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद ये क्या कराता है, यूटेराइन वॉल को क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में होता है। मतलब किस डायरेक्शन में ये होगा कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस का हम लोग बोलेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है,
इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रेट्रोपल्सन मूवमेंट ऑफ यूटेरस। ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, स्पर्म कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग बोलेंगे, वेजाइना से कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग बोलेंगे, फिलोपियन ट्यूब तक, ताकि क्या हो सके हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो अल्टीमेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन में भी क्या चीज़ में हेल्प कर, ये कर रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करा रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज, सिट्रिक एसिड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या चीज में हेल्प कराता है, ये तीनों क्या चीज में हेल्प कराएगा, ट्रांसलोकेशन में, ट्रांसलोकेशन ऑफ क्या चीज, स्पर्म में हेल्प कराएगा, ठीक है। ये हम लोग देखें। अब इसके बाद देखो रिलैक्सिन भी आता है, ठीक है ना, हम लोग बोलेंगे और क्या प्रेजेंट होता है क्या चीज में, सीमेन में, तो हम लोग बोलेंगे रिलैक्सिन भी प्रेजेंट होता है, रिलैक्सिन, ठीक है। ये रिलैक्सिन भी क्या चीज में हेल्प कराएगा, हम लोग बोलेंगे ये रिलैक्सिन भी क्या चीज में हेल्प कराएगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज में हेल्प कराएगा, ट्रांसलोकेशन में हेल्प कराएगा, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। ये रिलैक्सिन भी क्या चीज में हेल्प कराएगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ क्या चीज, स्पर्म में हेल्प कराता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगला क्या कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सीमेन में, हम लोग बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मिन, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है सेमिनल प्लाज्मिन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्या चीज का, क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे सीमेन का। एक्चुअल में ये क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे एंटी बैक्टीरियल केमिकल होता है, ठीक है। इसका मतलब सीमेन में क्या प्रेजेंट होगा, सेमिनल प्लाज्मिन प्रेजेंट होगा। सेमिनल प्लाज्मिन का मतलब क्या चीज, एंटी बैक्टीरियल केमिकल। और ये एंटी बैक्टीरियल केमिकल हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अगर कोई बैक्टीरिया रह गया, फिर हम लोग बोलेंगे कोई पैथोजन प्रेजेंट होगा अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे, तो उसको क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो वही मैं लिखा हूँ कि सेमिनल प्लाज्मिन भी कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे सीमेन में प्रेजेंट होता है, और वो एक तरह से क्या चीज है, एंटी बैक्टीरियल केमिकल है जो कि क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे। तो यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेमिनल प्लाज्मिन भी प्रेजेंट है जो यहाँ पर का बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे किल कर रहा है, ठीक है। अगला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम लोग बोलते हैं कुआगुलेज, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज, वेसिकुलेज, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कुआगुलेज या फिर हम लोग बोलेंगे वेसिकुलेज, ये भी कहाँ पर प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे वेजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये क्या करता है, देखो कुआगुलेज कि हम लोग बोलेंगे जब भी कभी जैसे कि सीमेन का जब ये होता है इजाकुलेशन होता है कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे वेजाइना में, तो वो सीमेन क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे फिर से बाहर आ सकता है, आउट ऑफ वेजाइना, मतलब वेजाइना से बाहर आ सकता है। भाई मैंने यहाँ पर लिखा हो कि जब भी हम लोग बोलेंगे कि जो स्पर्म वो इजाकुलेट अगर होता है या सीमेन इजाकुलेट होता है कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे वेजाइना में, तो वो क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे सीमेन इजिली ड्रेन आउट हो सकता है, किससे, वेजाइना से। तो हम लोग बोलेंगे इसको ड्रेन आउट होने से बचाने के लिए हम लोग बोलेंगे सीमेन में क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेसिकुलेज, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कुआगुलेज। ये कुआगुलेज और वेसिकुलेज नाम से ही लग रही है, क्या करेगा, जितना भी यहाँ पर स्पर्म है उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो वेजाइना का जो वॉल है ना उसके साथ क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे लैच ऑन कराएगा। लैच ऑन का मतलब हो गया उसको हल्का सा क्या करा के रखेगा, स्टिक करके रखेगा, कौन, कुआगुलेज या वेसिकुलेज। देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, देखो जैसे कि मान लो ये वाला पोर्शन को मैं यहाँ इनलार्ज करके बना रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है वेजाइनल पार्ट, इसको इनलार्ज करके मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। देखो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया सर्विक्स, और ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे वेजाइना, ठीक है। तो ये वाला क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे वॉल ऑफ वेजाइना, यही है, ठीक है। यहाँ पर क्या डिपॉजिट हुआ, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या डिपॉजिट हुआ, हम लोग बोलेंगे सीमेन डिपॉजिट हुआ। तो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, सीमेन है, ठीक है। इस सीमेन में क्या प्रेजेंट है, इस सीमेन में प्रेजेंट है स्पर्म। तो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, स्पर्म है, ठीक है। और यहाँ पर इस सीमेन में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे कुआगुलेज एंजाइम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेसिकुलेज एंजाइम भी क्या है, प्रेजेंट है। तो ये जो वेसिकुलेज या कुआगुलेज एंजाइम है ना, ये क्या कराता है, यहाँ पर जो भी सीमेन में जो भी स्पर्म है इसको क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो वेजाइना का जो वॉल है ना उसके साथ हम लोग बोलेंगे क्या कराएगा, लैच ऑन कराएगा। लैच ऑन का मतलब हो गया इसको क्या करा के रखेगा, स्टिक करके करवा के रखेगा, कौन, कुआगुलेज, नाम से ही लग रहा है, ठीक है ना, टेम्प्ररी। तो ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे ये जो भी सीमेन है या फिर जो भी स्पर्म है वो हम लोग बोलेंगे वेजाइना से बाहर नहीं ड्रेन आउट हो, ठीक है। तो कुआगुलेज का काम यही है।
वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है, कि सीमेन या सेमिनल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है, कोआगुलेज प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कराता है हम लोग बोलेंगे, जो स्पर्म होता है ना उसको क्या कराता है हम लोग बोलेंगे, लैचोन कराता है ऑन दी वॉल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वेजाइना, ठीक है, ताकि हम लोग बोलेंगे जो भी सीमेन है वो ड्रेन आउट होकर बाहर नहीं निकले। तो ये हो गया अगला क्या चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद देखो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फाइब्रिनोलाइसिन। ये भी कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे सीमेन में प्रेजेंट है फाइब्रिनोलाइसिन। तो देखो फाइब्रिनोलाइसिन का काम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोलाइसिन को अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जो भी स्पर्म यहाँ पर क्या हुआ है, लैच ऑन हुआ है ना, लैच ऑन जो भी स्पर्म हुआ है वॉल ऑफ द क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे वेजाइना में, वो स्पर्म को ये क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे इसको क्या करेगा, यहाँ से कट ऑफ कराएगा, इस वॉल से क्या कराएगा, इसको कट ऑफ कराएगा, ताकि ये स्पर्म क्या हो सके, मूव कर सके टुवर्ड्स द क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो फाइब्रिनोलाइसिन जो होता है वो हेल्प करता है क्या चीज़, जो भी स्पर्म जो वॉल से क्या हो गया, एक तरह से लैच ऑन हो गया है, उसको ये क्या कराएगा हम लोग बोलेंगे कट ऑफ करवाएगा, कट ऑफ करेगा तब ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे वॉल ऑफ द क्या चीज़, वेजाइना से रिलीज होगा ये स्पर्म, और ये स्पर्म क्या होगा हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन करेगा किस तरफ, टुवर्ड्स दी हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स दी किस तरफ हम लोग बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब ऑफ द क्या चीज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ हो गया हम लोग बोलेंगे, ये सारा का सारा क्या हो गया हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्या चीज़ सीमेन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछता है कभी कभी 2 मार्क्स में, वो पूछता है क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे इसके बारे में, एक कोआगुलेज के बारे में पूछता है और एक किसके बारे में पूछता है फाइब्रिनोलाइसिन के बारे में। एक चीज़ याद रखना, ये जो कोआगुलेज और वेसिकुलेज जो है ना, ये बनता कहाँ पर है तो हम लोग बोलेंगे ये बनता कहाँ पर है, ये एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ है, सीमेन में प्रेजेंट है, लेकिन ये एक्चुअल में बन कहाँ पर है हम लोग बोलेंगे सेमिनल वेसाइकल में, याद रखना इस चीज को, सेमिनल वेसाइकल ऑफ क्या चीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि यहाँ पर ये जो वेसिकुलेज जो वर्ड आ रहा है ना, ये किससे आ रहा है हम लोग बोलेंगे सेमिनल वेसाइकल का क्या चीज, ये जो वेसाइकल जो वर्ड है इससे ये टर्म आ रहा है वेसिकुलेज। और कोआगुलेज हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ये क्या कराता है हम लोग बोलेंगे, जो स्पर्म होता है ना उसको क्या कराता है हम लोग बोलेंगे कोआगुलेट कराता है, कहाँ, वॉल ऑफ द वेजाइना, ताकि ये बाहर नहीं रिलीज हो सके, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेन और इसका क्या चीज फंक्शन। अभी हम लोग देखेंगे कि जो वेजाइना होता है उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो पीएच है ना, यहाँ पर का जितना भी पीएच है, ठीक है, वेजाइना का पीएच, ये पीएच जो है, ये पीएच क्या चीज है हम लोग बोलेंगे एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक पीएच होता है। तो कितना एसिडिक होता है तो हम लोग बोलेंगे 4 point something या 4 से लेके 5 हो सकता है, ठीक है, देख आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है, मतलब यहाँ पर का पीएच क्या चीज़ है एसिडिक है। लेकिन अगर हम लोग जैसे जैसे सर्विक्स में जाएंगे, यूटेरस में जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे, तो उस तरफ का पीएच क्या होने लगता है हम लोग बोलेंगे इंक्रीज करने लगता है, और ये पीएच क्या हो जाता है हम लोग बोलेंगे एल्कलाइन हो जाता है, ठीक है, एल्कलाइन पीएच प्रेजेंट रहता है कहाँ पर, सर्विक्स, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब में, और एसिडिक पीएच कहाँ पर प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे वेजाइना में, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो एसिडिक पीएच जो रहता है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे स्पर्म का मूवमेंट क्या हो जाएगा, एसिडिक पीएच में स्पर्म का मूवमेंट याद रखना क्या हो जाएगा हम लोग बोलेंगे स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलेंगे ये स्पर्म इस एसिडिक मीडियम से हम लोग बोलेंगे एल्कलाइन मीडियम में जाता है, मतलब सर्विक्स, यूटेरस या फिर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, तो इसका मूवमेंट क्या होता है हम लोग बोलेंगे एल्कलाइन पीएच पे इसका मूवमेंट जो स्पर्म का होता है वो क्या हो जाता है हम लोग बोलेंगे फास्ट हो जाता है। तो बताने का मतलब ये हो गया कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, स्पर्म का मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, लेकिन जैसे हम लोग बोलेंगे एल्कलाइन मीडियम आएगा तो स्पर्म का मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे जो स्पर्म होता है वो एसिडिक मीडियम को कोप अप करता है और कैसे करके कहाँ तक पहुँचता है हम लोग बोलेंगे एल्कलाइन मीडियम तक पहुँचता है, ये अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है।